नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल इक्विटी मार्केट में। तो दोस्तों, आज हम जिस शेयर के बारे में बात करने वाले हैं उसका नाम है ऊर्जा ग्लोबल लिमिटेड। जैसा कि आपने थंबनेल में देख लिया होगा, इस शेयर को हम लगातार कवर कर रहे हैं। इसमें कोई भी अपडेट या कोई भी न्यूज़ निकल के आती है या जब भी कोई भी इंपॉर्टेंट लेवल निकल के आता है तो हमने आपको हर एक न्यूज़ को, हर एक इंपॉर्टेंट लेवल को आप तक पहुँचाया है। तो इस शेयर में हमें अभी जो हाल देखने वाला है, काफ़ी दिनों से जो है इसमें कंसोलिडेशन चला, कंसोलिडेशन वाला इसमें हमें धमाकेदार तेजी देखने वाली और अब ये तेजी जो है रुकने का नाम नहीं ले रही और ये शेयर लगातार हमें ऊपर की तरफ बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है। हम बात करेंगे इस वीडियो में कि इसमें जो ये तेजी देखने मिल रही है, ये तेजी आपको कब तक कंटिन्यू देखने मिलेगी, इसका अगर टारगेट कौन सा रहने वाला है, इसमें जो ये तेजी देखने मिल रही है ये कहाँ या क्या रुक सकती है, इसका नेक्स्ट टारगेट कौन सा है। अगर आप ऑलरेडी इसमें इन्वेस्ट हैं तो आपको अपनी नेक्स्ट मूव क्या लेनी है, आपकी नेक्स्ट स्ट्रेटजी इसमें क्या रहनी चाहिए, और अगर आप इसमें इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो क्या ये अभी आपके लिए सही मौका है इन्वेस्ट करने का या आपको अभी इसमें इन्वेस्ट नहीं करना है, ये सारी बातें बताएंगे हम आपको इस वीडियो में। बस आप वीडियो में अंत तक बने रहें और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आपको सारी नोटिफिकेशन और सारे अपडेट सबसे पहले मिलते हैं। और साथ में आप हमारे फ्री टेलीग्राम ग्रुप पे आके जुड़ सकते हैं जिसमें हम आपको फ्री में इंट्राडे ट्रेड, बीटीएसटी स्टॉक, लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म के सबसे अच्छे स्टॉक होंगे, ये सारी फैसिलिटी हम आपको इस ग्रुप में प्रोवाइड करेंगे, वो भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। आपको ग्रुप को ज्वाइन करने के लिए किसी भी प्रकार का चार्ज नहीं देना है। ये ग्रुप हमारा पहले भी एक्टिव था लेकिन किसी कारणवश हमें ये ग्रुप जो है बंद करना पड़ा था क्योंकि कुछ टेक्निकल इशूज थे, उसकी वजह से ये ग्रुप जो है बंद हो गया था, लेकिन दोबारा से हमने ये ग्रुप चालू किया। तो आप जाके ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, ग्रुप की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पड़ी हुई है, उस पर क्लिक करके आप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। काफ़ी आपको फायदा होने वाला है इस ग्रुप को ज्वाइन करने से और आपको जो है काफ़ी बेनिफिट होगा। इंट्राडे को लेकर, इंट्राडे, लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म स्टॉक, हर प्रकार की फैसिलिटी आपको इस ग्रुप में मिलने वाली है। एक पेन स्टॉक की हम हर महीने एक लिस्ट डालेंगे, उन पेन स्टॉकों को लेकर आप काफ़ी पैसा जो है बना सकते हैं अपने मंथली बेसिस पे और आपके आगे आने वाले समय के लिए। तो ग्रुप को जाकर जरूर ज्वाइन कीजिए, ग्रुप की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पड़ी हुई, इस पर क्लिक करके आप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। तो हम चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ कि कैसे क्या हमें ट्रेड देखने को मिली है ऊर्जा ग्लोबल में लास्ट ट्रेडिंग सेशन में। तो आप देखिए फ्राइडे, अपना जो फ्राइडे का दिन था 31 दिसंबर का, उसमें देखिए 95 पैसे की थी, 4.80% का हमें इसमें अपर सर्किट देखने को मिला है। अब ये शेयर देखिए 20.75 पैसे पर पहुंच चुका है। बात करें वन वीक की, तो वन वीक में इसमें देखिए ऑलमोस्ट 21% के आसपास के रिटर्न देखने को मिले हैं, 3.60 रुपये की तेजी सिर्फ और सिर्फ एक सप्ताह में हमें अभी तक देखने को मिल चुकी है। वन मंथ में देखिए तो वन मंथ में इसमें ऑलमोस्ट 142.69% रिटर्न देखने को मिले हैं, 12.20 रुपये की तेजी सिर्फ और सिर्फ एक महीने में हमें अभी तक देखने को मिल चुकी है। 6 महीने में तो और भी धमाकेदार रिटर्न है, ऑलमोस्ट 159.38% रिटर्न सिर्फ और सिर्फ 6 महीने में ये शेयर बना के अभी तक दे चुका है। 12.75 रुपये की तेजी सिर्फ और सिर्फ 6 महीने में हमें अभी तक इससे जो है मिल चुकी है। अब बात करते हैं कि हम मंडे को इससे क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, इसमें क्या होने वाला है अगले दिन जो अपना जो कल का ट्रेडिंग सेशन रहेगा। तो उसके चलते हैं, फिर आंकड़े देखते हैं कैसे क्या आंकड़े निकल के आ रहे हैं। तो देखिए जो अपना इसमें वॉल्यूम था 31 तारीख को वो कितना था, 4,90,917 शेयरों का इसमें ट्रेड हुआ था और आप देखिए तो 100% डिविडी हमें देखने को मिली थी। और देखिए अभी भी आप बाइंग साइड पर देखें तो 20.75 रुपये के प्राइस पर भी लगभग 18,48,128 शेयरों का जो है हमें ऑर्डर देखने को मिल रहा है प्री मार्केट सेशन, मतलब कि अभी से इसमें ऑर्डर लगे हुए हैं ऑलरेडी। तो ये बात होता है कि अगर आप कंपेयर करें वॉल्यूम्स को इन ऑर्डर से तो ऑलमोस्ट 4 गुना ज़्यादा जो है हमें ऑर्डर देखने को मिलने वाला, मतलब कि इसमें तेजी आपको अभी और देखने को मिल सकती है। लेकिन ऑलरेडी देखिए ये शेयर काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुका है और ये ऑपरेटर भी स्टॉक है तो कभी भी इसमें जो है भारी संख्या में हमें जो है सेलिंग देखने को मिल सकती है और ऑपरेटर जो है अपना माल बेच के से निकल सकते हैं। तो अब सवाल ये उठता है कि आपको अपना टारगेट कौन सा रखना है, आपको किस पर ज़्यादा फोकस करना है। तो उसके लिए चलते हैं हमने चार्ट की तरफ। तो देखिए चार्ट पे हमने अपना जो लेवल आपको प्रोवाइड किया था, लास्ट जो हमारा टारगेट था वो था हमारा 12 रुपये का। और हमने आपको बाइंग कहाँ पर कराई थी, हमने आपको बाइंग कराई थी ऑलमोस्ट, आपको याद होगा अगर मेरी वीडियो को लगातार देख रहे हैं तो मैंने आपको ऑलमोस्ट 6 रुपये अभी यहाँ पर ये सस्टेन कर गया था 6.15 रुपये पर। तो मैंने आपको यहाँ पर बाइंग कराई थी, अभी यहाँ पर था तो मैंने आपको बोला कि आप 6.15 रुपये पर बाइंग कीजिए और आपका टारगेट मैंने आपको दिया था 8.10 रुपये का और उसके अंदर आपको टारगेट दिया था 9.30 रुपये का। ये हमारे दोनों अचीव हुए थे और उसके बाद मैंने आपको जो दिया था टारगेट वो था हमारा 12 रुपये का। देखिए 12 रुपये का हमारा टारगेट भी अचीव हो चुका है और अब जो है मैंने उसके बाद आपको बोला था कि 12 रुपये का आपका नेक्स्ट टारगेट आपको फोकस करना है, जो लंबे समय के लिए आपका रहेगा, कुछ दिन आपको वेट करना पड़ेगा उसको अचीव करने के लिए, वो है आपका 20 रुपये का। और देखिए 20 रुपये भी हमारा जो है टारगेट अचीव हो चुका है, आप देख सकते हैं 20 रुपये भी ये स्टॉक पहुंच चुका है, 20.75 रुपये भी ये स्टॉक चल रहा है, मतलब कि हमारा जितने भी हमने आपको टारगेट दिए थे वो सारे हमारे अचीव हो चुके हैं। और अब हमारा जो मेन अब फोकस है, क्योंकि देखिए ऑलरेडी अगर आप देखें RSI, तो RSI अगर आप देखें मैं थोड़ा दिखाता हूँ आपको, तो इसका RSI ऑलमोस्ट 95 के आसपास चल रहा है इसका RSI, मतलब कि ओवरबॉट दोनों ये शेयर चल रहा है तो काफ़ी ज़्यादा RSI इसका ऑलमोस्ट हो चुका है और इसमें आपको कभी भी गिरावट आपको देखने को सकती है, भारी संख्या में इसमें सेलिंग हमें देखने को मिल सकती है। क्योंकि देखिए मार्केट में कोई भी स्टॉक हमेशा नहीं बढ़ता है, वो हमेशा चाहे थोड़ा सा ही करेक्ट करे लेकिन करेक्ट जरूर करता है, थोड़ा सा करेक्शन जरूर लेता है चाहे कोई भी शेयर हो, कभी भी कोई भी स्टॉक लगातार ऊपर नहीं बढ़ता है, थोड़ा बहुत करेक्शन हर स्टॉक लेता है और इसमें वही चीज़ देखने को आपको मिल सकती है। तो उसके पहले आपका जो मुझे टारगेट निकल के आ रहा है वो है आपका ऑलमोस्ट, मैं आपको प्रोवाइड करता हूँ, वो है आपका ऑलमोस्ट 22.15 रुपये के आसपास का, ये आपका रहेगा अभी के लिए टारगेट नंबर 1। और आपको मैं बोलूँगा कि अगर आप इसमें ऑलरेडी इन्वेस्ट हैं
तो आप इसमें आप ज्यादा लालच मत करें अगर आपने शॉर्ट टर्म के लिए पैसा निवेश किया है। अगर आपने शॉर्ट टर्म के लिए अपना पैसा निवेश किया है तो क्या करें आप इसमें अब ज्यादा लालच ना करें। आप इसमें अपना पार्शियल प्रॉफिट बुक कर सकते हैं जो भी शॉर्ट टर्म के पैसा इसमें लगाए हुए हैं। लेकिन जिन्होंने भी लॉन्ग टर्म के पैसा निवेश कर रखा है वो क्या करें वो उसमें अपना होल्ड कर सकते हैं, क्योंकि उन्होंने लॉन्ग टर्म के पैसा लगाया तो आराम से वो अपने इसमें बढ़ रह सकते हैं, उनको कोई दिक्कत नहीं है, उनको कोई भी टेंशन नहीं लेनी है। लेकिन जिन लोगों ने भी अपना पैसा शॉर्ट टर्म के लिए लगाया था और अच्छा सा प्रॉफिट बना लिया है वो क्या करें अभी पार्शियल प्रॉफिट बुक कर सकते हैं, क्योंकि इसमें आपको बहुत जल्दी, अभी मैं ये नहीं बोल रहा कि आपको कल के दिन गिरावट देखने को मिलेगी, लेकिन जल्द ही आपको कुछ दिनों बाद इसमें गिरावट देखने को मिल सकती है और फिर उसके बाद थोड़ा सा करेक्शन के बाद दोबारा से आपको तेजी देखने को मिलेगी। तो इसलिए अभी आप क्या करें पार्शियल प्रॉफिट बुक कर लीजिए, जब इसमें डिप आएगा तो आप तो जो है इसमें अपने क्वांटिटी फिर से ऐड कर सकते हैं, मतलब कि जब ये डिप आएगा तो क्वांटिटी ऐड कीजिए जो अपने आप होल्डिंग खाली कर रहे हैं अभी। तो अभी पार्शियल प्रॉफिट बुक कीजिए, मतलब 50% या 70% आप होल्डिंग अपनी निकाल दीजिए इस शेयर की, बाकी जब ये डिप आएगा तो डिप में दोबारा से अपनी वो क्वांटिटी ऐड कर सकते हैं। आप इससे आपको काफ़ी फायदा होगा, आपको किसी भी शेयर में यही स्ट्रेटजी आपको अपनानी चाहिए, क्योंकि देखिए कंपनी काफ़ी अच्छा इंप्रूव कर रही है और कंपनी में जो है काफ़ी भरोसा है लोगों का भी, और बड़ी बड़ी कंपनियां भी इस कंपनी में काफ़ी भरोसा कर रही है, क्योंकि देखिए ऊर्जा ग्लोबल एक ऐसी कंपनी है जो पावर सेक्टर में कंपनी डील करती है और पावर सेक्टर का काफ़ी स्कोप रहने वाला है। हर अगर ये इन स्टॉकों को जितने भी पावर सेक्टर के आप स्टॉक है अगर आपने लॉन्ग टर्म में रखे हैं, इससे आपने मान लीजिए 4 साल 5 साल के आप इन स्टॉक को अपने पोर्टफोलियो में रखना चाहते हैं तो काफ़ी अच्छा आपका डिसीजन है, आप जो है काफ़ी तगड़ा पैसा इन कंपनी से बनाने वाले हैं आगे आने वाले समय में। बाकी आपको मैंने लेवल लगातार मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ, आप इसके साथ चलते रहेंगे तभी भी आप जो है काफ़ी अच्छा पैसा बनाने वाले हैं। तो अभी क्या करें अभी अपना आपका टारगेट रहेगा 22 रुपये 15 पैसे का और आप जो है अभी अपना पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग जो है चालू कर सकते हैं। एक दो दिन में जो है अपना आप पार्शियल प्रॉफिट बुक चालू करेंगे तो काफ़ी आपको फायदा रहेगा, वरना आप जो है इसमें फंस सकते हैं, क्योंकि ये देखिए ऑलरेडी काफ़ी ओवरबॉट हो चुका है और इसमें गिरावट थोड़ी बहुत आएगी, करेक्शन जरूर थोड़ा बहुत आएगा और करेक्शन के बाद दोबारा से ये शेयर आपको ऊपर तक ट्राई करता हुआ देखने को मिलेगा। तो अभी आपका जो टारगेट है वो है 22 रुपये 15 पैसे का और आपका सपोर्ट लेवल का जो काम करने वाला है वो है आपका ऑलमोस्ट वो है आपका करीब करीब 16 रुपये 80 पैसे के आसपास, ये आपका सपोर्ट रहेगा 16 रुपये और एग्जैक्टली आपको बताऊँ तो 17 रुपये के आसपास आप रख सकते हैं अपना, ये आपका रहेगा सपोर्ट नंबर 1, ये आपका जो रहेगा सपोर्ट नंबर 1, इस पर आप जो है अपना रखिए सपोर्ट और अपना टारगेट रखिए 22 रुपये 15 पैसे का। बाकी आपको कोई भी डाउट हो कोई भी क्वारी तो कमेंट बॉक्स में अपना डाउट क्वारी पूछ सकते हैं। बाकी आप हमारा जो है फ्री टेलीग्राम ग्रुप जाकर ज्वाइन कर लीजिए, काफ़ी आपको फायदा होने वाला है उस ग्रुप को ज्वाइन करने से, क्योंकि पर डे आपको उसमें इंट्राडे बीटीएसटी स्टॉक लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म के स्टॉक और पेनी स्टॉक आपको मिलने वाले हैं उस ग्रुप में बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। तो ग्रुप को जाकर ज्वाइन कर लीजिए, ग्रुप की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पड़ी हुई है। तो दोस्तों यही तक था वीडियो, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और इसी प्रकार से अपना प्यार बना रखें और अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह लेते हुए अपने पैसा निवेश करें। बहुत बहुत धन्यवाद, जय हिंद एंड थैंक यू।